जनपद जालौन के कोंच में उत्तर प्रदेश शासन के आदेश अनुसार सरकारी गेहूं खरीद केंद्र का शुभारंभ कोंच उप जिला अधिकारी मोइनुल इस्लाम व क्रय विक्रय समिति के अध्यक्ष हरीश चंद्र तिवारी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर उप जिला अधिकारी महोदय ने बताया कि शासन के निर्देश पर किसानों का गेहूं खरीदने हेतु इस केंद्र का शुभारंभ किया गया है, जिससे किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सके। यहां पर गेहूं बेचने वाले किसानों को किसी भी प्रकार के दलालों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहां किसानों के प्रति कुंटल खरीद पर सरकार बोनस भी देगी। इसका भुगतान सीधा किसान के खाते में पहुंचेगा, जिससे किसानों को सीधा लाभ होगा। शुभारंभ के समय 70 कुंटल गेहूं खरीदा गया, जिस पर क्रय विक्रय समिति के अध्यक्ष हरीश चंद्र तिवारी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी और वह स्वयं इस खरीद केंद्र पर निगरानी करते रहेंगे। ये केंद्र किसानों के सुविधा के हेतु सरकार द्वारा संचालित है। इसमें 1625 रुपया गेहूँ का क्रय केंद्र रखा गया है और 10 रुपया पल्लेदारी के रूप में अतिरिक्त सरकार द्वारा किसान के खाते में जाएगी। और इस केंद्र के द्वारा और जुझारपुरा सहकारी समिति और क्रय विक्रय दोनों संयुक्त रूप से पिछले साल भी इस तहसील में अग्रणी भूमिका के तहत रहे खरीद में, और आशा है कि किसानों के हित में हम लोग हमेशा दोनों केंद्र उनकी सुख सुविधा में सहयोग करते हुए इस वर्ष भी हम लोग तहसील में बल्कि जिला में अग्रणी रहने की आशा करते हैं। वो किसान बंधुओं के लिए हम लोग हमेशा उनके सहयोग के लिए यहाँ समय देते हैं, जिससे कि किसान बंधुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। आज किनके द्वारा इनका आज का शुभारंभ किया गया? मुख्य रूप से SDM कोंच और हमारे बड़े भाई जुझारपुरा सहकारी समिति के अध्यक्ष प्रतिपाल सिंह गुर्जर, इस समिति के संचालक बहुत सम्मानी प्रभुदयाल गौतमिया जी, संचालक श्याम किशोर गुर्जर जी, अरविंद द्विवेदी जी और हमारे तमाम किसान बंधुओं के सहयोग से हम लोगों के सामूहिक रूप से SDM सब पहुँचने इसका शुभारंभ किया। अच्छा, तो इससे क्या किसानों को लाभ मिलेगा? इससे लाभ मिलेगा कि मंडी में जो बिचौलियों के द्वारा गेहूँ खरीद की जाती है, जैसे किसानों को औने पौने दाम में गेहूँ बेचना पड़ता है, वो यहाँ नहीं होगा। यहाँ जो सरकार के द्वारा निर्धारित एक मानक है, उसी के अनुरूप उन्हें सारी सुविधाओं से सुसज्जित करते हुए, उनके लाभ को ध्यान में रखते हुए, किसानों की मेहनत को ध्यान में रखते हुए उनका सहयोग किया जाए।